कैसे हो भाई लोग, कमेंट में अपना हाल जरूर बताइएगा और बोल बम और हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि। और पहले तो देखिए एक भाई पैदल ही आ रहा और मैं अभी जा रहा हूँ कांवरिया पथ पे, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कांवरिया पथ किस तरह तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सावन की जो तैयारी है बिल्कुल हो चुकी है और सिर्फ 2 से 3 दिन ही रह गए हैं सावन आने में। तो आप अगर आ रहे हो कांवरिया बम और बाबा के भक्त बनकर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे बच्चे लोग भी, छोटे छोटे भाई लोग भी देखिए यहाँ पे रोड पे खेल रहे थे, तो अभी आ रहे थे सामने से। और सामने देखिए काफ़ी सारे लोग हैं और जो खेल रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कांवरिया बम का। तो फिर आप बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए एक साथ कई सारे हैं और कांवरिया पर बिल्कुल तैयार है, तो आप ज़रूर आइए। और दोस्तों मैं चल रहा हूँ और यह कांवरिया पथ धौरी से लेकर शिवलोक तक है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक का भी कार्य हो रहा है और जो भी बचा कुचा काम है वो भी तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए दुकान तो बिल्कुल तैयार है। पहले मैंने कांवरिया पथ दिखाया था तो उसमें था कि सिर्फ और सिर्फ बाँस लगा हुआ था, अब सारा दुकान ढक गया है, बिल्कुल तैयार है और सिर्फ इंतज़ार है तो श्रद्धालुओं का। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और यहाँ पर ये देखिए अब कुर्सियाँ यहाँ पे बहुत सारा, कुर्सियों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर देखिए मैं और बढ़ता ही जा रहा हूँ कांवरिया पथ पर, और जहाँ तक बढ़ता जा रहा हूँ वहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है कार्य। और ब्रिक वाला जो रेत है बिल्कुल डाल दिया गया है ताकि पैदल चलने में कोई भी दिक्कत ना हो और श्रद्धालुओं को सभी सुविधाओं मिलती रहे। और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और देखता हूं आगे कहां तक कार्य हो रहा है। और जितना भी मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, एक दुकान देखिए यहां पे भी है, बिल्कुल तैयार है। अब जितनी दुकानें मिलती है बिल्कुल तैयार मिलती है। और मैं आगे जितना भी बढ़ता जा रहा हूँ बिल्कुल तैयार रोड, कच्ची कांवरिया पथ बिल्कुल तैयार मिलता जा रहा है। तो अब देर किस बात की, आप भी ज़रूर आइए बाबा के श्रद्धालु बनकर। तो महादेव के भक्तों को फिर से नमस्कार। और यहाँ पर देखिए एक भाई पल्सर लेके जा रहे हैं क्यों, और इस कांवरिया पथ पे अभी बाइक का चलना तो मुश्किल हो रहा है, कभी कभी मैं भी रुक जा रहा हूँ क्योंकि जो रेत है सूखा रेत है और धस जाता है, बाइक रुक जाती है, चलने में दिक्कत होती है, परेशानियाँ हो रही है। तो मैं फिर भी धीरे धीरे जा रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पे देखिए देवघर 60 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और आगे देखिए यहाँ पे बांस जो लगाया गया है, यहाँ पे सिर्फ उसका बैनर लगाना है और पर्दे लगाना है, तो इसके ये भी कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टेप को ले करके।